एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डेक्टीज और ऑस्टिक्टीज के बीच के मेन डिफरेंसेस के बारे में। ये सभी कॉर्डेट्स सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंडर आते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पॉइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें सिर्फ टू चेंबर्ड हार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन के बारे में। साइक्लोस्टोम्स और कॉन्डेक्टीज का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, इसीलिए नाम पड़ा है कॉन्डेक्टीज, इसका मतलब ही है कार्टिलेजिनस, और ऑस्टिक्टीज का एंडोस्केलेटन बोनी होता है। अब आते हैं नंबर ऑफ गिल स्लिट्स के बारे में। 6 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटास में और ये अनकवर्ड होते हैं। बात की जाए कॉन्डेक्टीज की तो इनके अनकवर्ड गिल स्लिट्स होते हैं और ऑस्टिक्टीज में 4 pair ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन ये कवर्ड होते हैं विद ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम इज द कवर। बॉडी कवरिंग की बात की जाए तो साइक्लोस्टोम्स की स्किन पे कोई स्केल्स नहीं होते हैं और ये अनकवर्ड होती है। कॉन्डेक्टीज में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और ऑस्टिक्टीज में साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होते हैं। साइक्लोस्टोम्स का सर्कुलर माउथ होता है विदाउट एनी जॉस, जॉलेस फिशेस होते हैं, इसीलिए इनको ए गनाथा बोलते हैं। ए मीन्स एब्सेंट, गनाथा मीन्स जॉ। कॉन्डेक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज के पास जॉ होते हैं, लेकिन जो कॉन्डेक्टीज होते हैं उनका जो माउथ होता है वेंट्रल होता है, मतलब फिश के बॉडी के नीचे की तरफ माउथ होता है, और जो ऑस्टिक्टीज होते हैं उनका माउथ टर्मिनल होता है, मतलब बॉडी के एकदम एंड में उनका माउथ प्रेजेंट होता है। अब बात की जाए एयर ब्लैडर की। कॉन्डेक्टीज में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, मतलब ये कॉन्स्टेंट स्विम करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जिससे ये लोग सिंक ना कर जाए। वहीं पे ऑस्टिक्टीज अगर स्विम करते करते कहीं रुक भी गए तो भी ये सिंक नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर होता है और बायोन फोर्स की वजह से ये अपनी जगह पर ही रहते हैं।